हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो अभी मेरी शिफ्ट हो गई है स्टार्ट, और 11 बजे से मेरी शिफ्ट स्टार्ट होती है। और मेरी स्प्लिट में शिफ्ट लगती है, 4 घंटे मुझे लॉगिन जो है दिन में करना पड़ता है, और 4 घंटे जो है मुझे रात को लॉगिन करना पड़ता है। दिन में कर लेता हूँ 11 से 3 बजे तक, और उसके बाद करता हूँ मैं 6 से 10। तो ये है मेरी शिफ्ट टाइमिंग, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है तो स्प्लिट शिफ्ट में हमें जो है वर्क करना पड़ रहा है, तो करना पड़ रहा है भाई, मैनेज से करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम दिया तो भाई करना तो पड़ेगा। तो गाइस, अगर आप भी BPO सेक्टर में आना चाहते हैं, कॉल सेंटर की लाइन में आना चाहते हैं, तो इजीली आप आ सकते हैं। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 12th पास रहती है, और अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो वो तो और भी अच्छा है आप लोगों के लिए, क्योंकि अकॉर्डिंग आपकी जो भी आपके पास डिग्री है या जैसा भी आपका इंटरव्यू रहता है, तो उस पर ही डिपेंड करता है सब कुछ, सैलरी पैकेज उसी पे ही डिपेंड करता है गाइज। तो अगर आप भी जो है BPO या कॉल सेंटर में काम करना चाहते हैं, तो मैं आपको जो है HR का एक नंबर दे दूंगा और एड्रेस में बता दूंगा। अगर आपको वो एड्रेस चाहिए या HR का नंबर चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना। इस वीडियो में गाइज 100 लाइक का एम रखता हूँ मैं, 100 लाइक आ जाएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में HR का नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और इजीली आप जो है इंटरव्यू देके आपको कोई ना कोई प्रोसेस तो मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे या खाली हाथ आएंगे, आपको कोई ना कोई जॉब हासिल आप लेके आएंगे, कोई ना कोई जॉब आपको मिल ही जाएगी, इतना मैं गारंटेड आपको बोल रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा, अगर इस वीडियो में 100 लाइक आ जाते हैं तो मैं HR का नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस लाइक करना ना भूलें, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एयरटेल मनी विद पंकज होम्योस्टी टुडे।